नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस नए लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में। बिहार में नदियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखती हैं, क्योंकि बिहार के सिविलाइजेशन, बिहार का कल्चर, बिहार की इकॉनमी, यहाँ की डेमोग्राफी और डेवलपमेंट, ये सब कुछ इन नदियों पे ही डिपेंड करता है। इस लेक्चर सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में एक एक नदी के बारे में कि बिहार में कौन सी नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वह कहाँ जाकर मिलती है, किस नदी में जाकर उसका मुहाना होता है, और उस नदी से रिलेटेड कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे बिहार के फिज़िकल मैप को, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बिहार के फिज़िकल मैप के बारे में। इसमें हमने एक ओवरऑल व्यू लिया था कि भाई बिहार का नक्शा ये है और नदियाँ इस तरह से हैं। अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी बिहार को आप देखिए ऐसे फ्लो कर रही है, ये कम्प्लीटली पूरी तरह से इसको बिहार को दो भागों में विभाजित कर देती है। देखिए ये गंगा नदी ने दो भागों में विभाजित कर दिया बिहार को, ये ऐसे फ्लो करके ऐसे चली गई। इसकी वजह से गंगा नदी के नॉर्थ की जो नदियां हैं उनको हम नॉर्थ बिहार रिवर्स, और गंगा नदी के साउथ की जो नदियां हैं उनको हम साउथ बिहार रिवर्स के नाम से जानेंगे और पढ़ेंगे। नदियों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ हम जान लें कि नदियां ढलान की वजह से अपना रास्ता बनाती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि साउथ बिहार में ढलान साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ बिहार में ढलान नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और ये दोनों ही ढलान आकर आपस में गंगा नदी के पास में मिल जाते हैं। इसकी वजह से ये सारी नदियाँ जिनका उद्गम अलग अलग जगहों पर होता है वो फाइनली जाकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर बिहार की नदियों की। अगर आप देखें इस मैप में तो एक एक करके अगर हम देखें पश्चिम से पूरब की तरफ, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये घाघरा, लिटिल गंडक, ग्रेट गंडक, इसके पश्चात अगर सामने की स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कमला, बलान, और देखिए ये बलान, बागमती, कोसी, ये सारी रिवर्स हैं। गंगा नदी एज यूजुअल फ्लो कर रही है। यहाँ पे देखिए ये गंडक रिवर, ये बूढ़ी गंडक रिवर, तो ये सारी रिवर्स हैं नॉर्थ बिहार की। हालांकि इस मैप को मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो सके कि नदियाँ किस तरह से हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये गंगा नदी यहाँ से इंट्री करती है, ये सोन नदी, नॉर्थ कोयल नदी, फिर यहाँ पे फल्गु और पुनपुन नदियाँ इत्यादि हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम अपने लाइन डायग्राम में समझें तो आप ये देखिए, ये आपको यहाँ पे क्लियर इस फोटो में दिखेगा कि किस तरह से नदियाँ हैं। गंगा नदी एज यूजल बिहार को दो पार्टों में डिवाइड करती हुई दिख रही है। आप देखें ये गंगा नदी जा रही है, ये इसका कोर्स है, और यहाँ पे अगर हम देखें पश्चिम से पूरब की तरफ तो घाघरा, सरयू यानी लिटिल गंडक, ग्रेट गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान और कोसी, फिर महानंदा, ये इस नॉर्थ बिहार साइड की रिवर्स हो गई। और अगर आप देखें साउथ बिहार की तो करमनासा, फिर सोन, फिर नॉर्थ कोयल, जमुना, फल्गु, पुनपुन, बदुआ और चंदन, ये नदियां हैं जो साउथ बिहार में फ्लो करती हैं। एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे इन सारी नदियों के बारे में ताकि कोई भी प्रश्न हमसे अछूता ना रहे जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। देखिए डिटेल में गंगा नदी के बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा नदी के बारे में डिटेल में बात तब होगी जब हम पूरे भारत के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर, हालांकि बहुत जगह ये लंबाई 2700 किलोमीटर भी दी हुई है, लेकिन कितना ऑथेंटिकेट है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। 2525 किलोमीटर हालांकि ऑथेंटिकेटेड जानकारी है, इसके लिए हम यही संख्या याद में रखेंगे। इसका सोर्स है गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री उत्तराखंड में, और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर हिंद महासागर में मिल जाती है। बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा नदी
फ्लो करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी पीटी में भी, इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या हैं। ये दोस्तों आपको जानकारी करनी है, आपको पता करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हालांकि इसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे, बट हम यहाँ नहीं बताएंगे आपको। आप पहले सर्च कीजिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट जिनसे होकर गंगा नदी बिहार में फ्लो करती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया में वाटर डिस्चार्ज के मामले में, नेशनल वाटरवे वन। अच्छा, यहाँ थर्ड लार्जेस्ट रिवर है तो पहली और दूसरी कौन है इसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो पहली और दूसरी कौन है इसकी जानकारी भी आपको अपने स्तर पे करनी है। हम हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। नेशनल वाटरवे वन बिहार में ऑपरेशनल है, आज के डेट में काम कर रहा है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। अच्छा, आपको नेशनल वाटरवे वन इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम नेशनल वाटरवेज के बारे में, पूरे भारत की जो नेशनल वाटरवेज व्यवस्था बनाई गई है, जब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तब हम नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिहार से होकर फ्लो कर रहा है। लेकिन आपको ये जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि नेशनल वाटरवे वन बिहार में कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया गया है। यह बिहार में इंटर करती है चौसा के पास। चौसा कहाँ है? सारण और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के कॉन्फ्लुएंस पे है। चौसा काफ़ी फेमस प्लेस है, वहाँ वो बिहार में इंटर करती है और बिहार को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम मेजर रिवर्स बिहार के देखते हैं, जो जो हमने अभी देखा स्क्रीन पे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, नॉर्थ बिहार के रिवर्स और साउथ बिहार के रिवर्स। अगर आप देखो तो नॉर्थ बिहार में घाघरा जिसको सरयू भी कहते हैं, लिटिल गंडक, ग्रेट गंडक जिसको नारायणी भी कहते हैं, बूढ़ी गंडक जिसको सिकरना भी कहते हैं, बागमती जिसको करेह कहते हैं, कमला, बलान, कोसी और महानंदा, ये नॉर्थ बिहार के रिवर्स हो गए। साउथ बिहार के रिवर्स करमनासा, सोन, नॉर्थ कोयल, जमुना, फल्गु को निरंजना या फाल्गुनी भी कहते हैं, पुनपुन, बदुआ और चंदन। एक बात ध्यान में रखिए कि नॉर्थ बिहार के जितने भी रिवर्स हैं गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और साउथ बिहार के जितने रिवर्स हैं वो गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक एक नदी के बारे में। सबसे पहले हम नदियों के बारे में हम बात करेंगे जब भी, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए करेंगे, नॉर्थ बिहार की नदियों के बारे में भी और साउथ बिहार की नदियों के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी जिसको हम उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में कर्णाली के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई कुल 1080 किलोमीटर यानी 1080 किलोमीटर है। इसका सोर्स तिब्बतन प्लेटू में है लेक मानसरोवर लेक के पास। लेक मानसरोवर जहाँ से हमने देखा है कि इंडस रिवर भी निकलती है, सतलज रिवर भी निकलती है, वहीं के आसपास में इस घाघरा रिवर का भी उद्गम है। इसका माउथ कहाँ है? ये जाकर गंगा रिवर में मिल जाती है। कहाँ पर? रिविलगंज घाट, सारण डिस्ट्रिक्ट, छपरा डिस्ट्रिक्ट जिसको भी बोलते हैं आमसा में, बिहार में। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं इसके अंडर में? बहराइच, अयोध्या, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया, सिवान और सारण, ये इसके इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जिनसे होकर ये नदी फ्लो करती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात कर लें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की। सरयू नदी यानी घाघरा नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई नेपाल में 507 किलोमीटर है। यह लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की बाई वॉल्यूम, यानी पानी के वॉल्यूम, यानी जितनी पूरी वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उस लिहाज से अगर देखें तो ये गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी है। यह सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाई लेंथ, मतलब अगर देखा जाए तो यमुना नदी के बाद लंबाई में। यमुना नदी जो कि गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिने साइड से आकर गंगा नदी में मिलती है, सहायक नदी है। और सरयू नदी जो है, घाघरा नदी जो है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो बाएं साइड से आकर गंगा नदी में मिलती है। वाटर कैरिंग के हिसाब से घाघरा नदी टॉप पर है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इसका। और लेंथ के हिसाब से अगर देखें तो यमुना नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है और घाघरा नदी लंबाई के मामले में गंगा की सहायक नदियों में दूसरा स्थान रखती है। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करेंगे, लिटिल गंडक। लिटिल गंडक रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका लेंथ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। हमने काफ़ी खोजने की कोशिश करी लेकिन हमें मिला नहीं। सोर्स देशोपुल, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, जो कि तराई के इलाके में स्थित है, वहाँ पर यहाँ से वो निकलती है। और माउथ ये जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है, गुठनी के पास एक गांव है डुमरहर, वहीं जाकर ये नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी में बिहार में। इंपॉर्टेंट सिटीज हो जाएंगी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण एंड सिवान।
नेक्स्ट है ग्रेट गंडक, ये रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ग्रेट गंडक रिवर को नारायणी रिवर भी कहते हैं। इसकी लंबाई 765 से लेकर 814 किलोमीटर, क्योंकि कहीं पे भी एग्जैक्ट लंबाई मेंशन नहीं, हालांकि एग्जैक्टली बहुत जगह 765 किलोमीटर कहा गया है लेकिन कई जगह 814 किलोमीटर भी दिया गया है। तो इसके बीच में 765 फिगर भी करेक्ट हो सकता है, 814 भी फिगर करेक्ट हो सकता है, हम 765 के साथ जाएंगे। इसका सोर्स क्या है? नुबाइन हिमाल ग्लेशियर, मस्तंग डिस्ट्रिक्ट नेपाल से होकर नेपाल में इसका सोर्स है, और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? सोनपुर में, जो कि कहाँ स्थित है? छपरा डिस्ट्रिक्ट यानी सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। यहाँ पे इस नदी जब ये गंगा नदी में आकर मिलती है गंडक रिवर, तो ये सोन यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं, जिसको सोनपुर का मेला भी कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहाँ पे हर तरह के पशुओं की बिक्री होती है। करीब करीब एक महीने यह मेला चलता है, प्रतिवर्ष लगता है यह मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, विश्व प्रसिद्ध मेला है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण। फैक्ट्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यह नदी क्रॉस करती है किन किन कहां कहां से? वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार में है पश्चिमी चंपारण जिले में, और चित्तवन नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है। इन दोनों नेशनल पार्क से होकर ग्रेट गंडक नदी क्रॉस करती है या बिहार में इंटर करती है त्रिवेणी टाउन नेपाल से, त्रिवेणी टाउन से करती है। और त्रिवेणी कनाल हमको बहुत फेमस कनाल है, अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण इत्यादि में ये कनाल सिस्टम काफ़ी फैला हुआ है। वहाँ के कृषि में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यह सिस्टम कनाल सिस्टम गया हुआ है, जो कि त्रिवेणी कनाल से ही निकला है। ठीक है, तो ग्रेट गंडक रिवर के बारे में ये जानकारी थी। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक रिवर काफ़ी खतरनाक नदी मानी जाती है, उसको सिकरहना भी कहते हैं, ये काफ़ी लोगों का शिकार करती है। यहाँ पे अक्सर इस नदी में लोग नहाने जाते हैं और डूब के मर जाते हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक नदी मानी गई है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका सोर्स है चौतरवा चौर। चौर के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, बिशंबरपुर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार से ये निकलती है। चौर के बारे में दोस्तों हमने बात की थी। चौर वह इलाका होता है जो कि निचला इलाका होता है, जिससे ये मैदानी इलाका हो गया, इसके बाद हल्का सा डाउन का इलाका हुआ और यहाँ से होकर नदी फ्लो करती है, और इसके बाद फिर ये डाउन इलाका हुआ और फिर ये ऊपर प्लेन का इलाका हो गया। तो जब नदी में पानी जब कम होता है तब ये चौर का इलाका सूखा रहता है, और जब नदी फ्लड कर जाती है तो ये पानी आगे बढ़ जाता है और ये कंप्लीट एरिया ये पानी में डूब जाता है। तो यहीं से सोर्स इसका निकलता है बूढ़ी गंडक का, चौतरवा चौर, बिशंबरपुर, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। इम्पॉर्टेंट, अच्छा, इसके माउथ कहाँ पे है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है। इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, अगर हम देखें फैक्ट्स के बारे में तो यह, जैसे कि ये ग्रेट गंडक रिवर ऐसे फ्लो की, तो ये जो रिवर है, तो बूढ़ी गंडक जो रिवर है वो इसके पैरेलली फ्लो करती है ऐसे, और ये एज ए ओल्ड चैनल फ्लो करती है, ओल्ड चैनल। अच्छा, ओल्ड चैनल किसको कहते हैं? ओल्ड चैनल वो चीज़ है, जैसे मान लो पहले नदी कभी कभी ऐसे बहती थी, अब जो गंडक नदी थी वो कभी इसका कोर्स यहाँ से था, अब मान लो कि उसका कोर्स हल्का सा बदल गया। कैसे बदल गया? कि नदी चौड़ी नदी रही होगी, तो धीरे 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 इसके बीच में मलबा सिल्ट जिसको कहते हैं, सॉयल जिसको कहते हैं, जिसको नदी अपने सारे, तो वो पूरा तरह से इसे भर गया। तो नदी जो मेन नदी थी, अब ये एक तो रिवर ये जा रही है और दूसरी रिवर ऐसे जाने लगी। अब ये मेन रिवर हो गई और इसमें पानी थोड़ा बहुत बच गया। ये इसमें पानी क्यों थोड़ा बहुत आता है? क्योंकि ये चौर से निकलती है, मतलब ये जो बूढ़ी गंडक रिवर है वो जो ग्रेट गंडक रिवर है उससे सटा हुआ जो चौर है, जो निचला इलाका है, जो पानी जहाँ पे भरा रहता है, वहीं से निकलती है और पैरेलली फ्लो करती है। तो ये ओल्ड चैनल है ग्रेट गंडक रिवर का। नेक्स्ट है बागमती रिवर। बागमती रिवर भी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, इसको करेह नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 597 किलोमीटर। ये बागद्वार शिवपुरी काठमांडू नेपाल से निकलती है। ये काठमांडू को पाटन डिस्ट्रिक्ट से अलग करती है। पाटन डिस्ट्रिक्ट होता है नेपाल में, जिसको वो अलग करती है। ये जाकर कोसी नदी बिहार में मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे प्लेस का नाम नहीं लिखा गया है।
प्लेस का नाम इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि प्लेस कोई निश्चित नहीं है। जैसे नदियाँ जो हैं वो इस तरह से हैं वहाँ पे नॉर्थ बिहार के, जैसा हमने पिक्चर में देखा था कि ये मेश टाइप का है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो कहाँ जाके मिल जाएगी, इस बाढ़ में कहीं से मिल रही है, दूसरे बाढ़ में किसी और जगह पे जाके मिल जाएगी, तो वो कोई प्लेस स्थिर नहीं है, स्थिर प्लेस नहीं है। लेकिन नदी स्थिर है कि वो कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देखें तो सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, खगड़िया। फैक्ट्स के बारे में बात करें तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो इस नदी के किनारे है, और अपनी अंतिम क्रिया करने के लिए अक्सर यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जिनके लिए काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। इसके कुछ ब्रांच बूढ़ी गंडक रिवर में भी मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ निश्चित नहीं है, तो ये कुछ ब्रांच कुछ इधर गए, कुछ बाएं गए, कुछ दाहिने गए, तो इस क्रम में वो अलग अलग नदियां जो हैं वो छोटे छोटे चैनल्स बना के, अगर यहाँ से अगर आप देखें तो ये अगर बूढ़ी गंडक रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पे अगर ये कोसी नदी फ्लो कर रही है, तो इसके कुछ ब्रांचेज जो हैं, इस नदी के कुछ ब्रांचेज इससे भी जाके मिल जाएंगे और इससे भी जाके मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये नदी का सिस्टम पूरे नॉर्थ बिहार में मेश टाइप का पूरी तरह से सिस्टम है। नेक्स्ट है कमला नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी लंबाई 328 किलोमीटर है। ये चूरिया रेंज, चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ हैं, मैथान, सिंधौली डिस्ट्रिक्ट, नेपाल। बागमती रिवर, ये इसका माउथ देखिए, ये दो जगह मिलती है, हालांकि दो जगह निश्चित है ये, इसके अलावा भी वो आजू बाजू की जगहों पर जाके मिल सकती है, जैसे बागमती में भी मिल सकती है। यार कोई ठीक नहीं है इन सब नदियों का, क्योंकि ये हमेशा मार्ग परिवर्तित करते रहती हैं। लेकिन एक एक जनरलाइज ट्रेंड जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि ये बागमती रिवर में जाके मिलती है कहाँ, बदलाघाट, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, और कोसी रिवर में एक ब्रांच इसका जाकर मिलता है झंझारपुर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी और खगड़िया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये बिहार में इंटर करती है जयनगर, जयनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ ये बिहार में इंटर करती है नेपाल से निकलने के बाद। 30 मेगावाट का पावर प्लांट नेपाल में धानुषा और सिराहा नाम की जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि अगर वहाँ पे डैम बनेगा और पानी इकट्ठा होगा रिजर्वायर में, तो वो एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, और अगर अर्थक्वेक के कारण अगर वो डैम का रिजर्वायर क्रैक कर गया और पानी नीचे बहने लगा, तो निचले इलाके जो बिहार के इलाके हैं उनमें हैवी फ्लड आ जाएगा। मधुबनी में 1998 में एक ऐसा ही एम्बारकमेंट बनाया गया था जो 1998 के अर्थक्वेक में वो टूट गया और सारा पानी बह गया, काफ़ी भीषण बाढ़ आई थी। ठीक है, तो ये एक है कि इससे 30 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट नेपाल में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। बलान रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी खतरनाक नदी में से एक है। कमला और बलान को एक ही रिवर माना जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। इसको भूतही बलान भी कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई 87 किलोमीटर दी हुई है, हालांकि कोई निश्चित नहीं है। 42 किलोमीटर नेपाल में और 45 किलोमीटर बिहार में। सोर्स इसका वही चूरिया रेंज नेपाल। माउथ कमला में आकर मिलेगी, बागमती में मिलेगी, कोसी में मिलेगी, ये जहाँ इसकी इच्छा हुई, जैसे जिसे मर्जी गई, जैसे स्लोप मिल गया, पानी का फ्लो हो गया, वो जाकर मिलती चली गई। वो इस तरह से नदी है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय। इसका काम है ना रास्ता अपना लेकर चलना नहीं है, इसका काम केवल बाढ़ लाना है। इसका जन्म ही हुआ है कमला, बलान, बागमती रिवर्स का कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ लाना है। उनको रास्ते से मतलब नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, जो जब जैसा वैसे करते रहती हैं। ये जैसा वाटर फ्लो आएगा उसके हिसाब से ये अपना तांडव मचाएंगे। नेक्स्ट है कोसी नदी, काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है कोसी। कोसी नदी को हम सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। 729 किलोमीटर मात्र लंबाई है इसकी। इसका उद्गम है तिब्बतन प्लेटू, हनुमान नगर, नेपाल। अच्छा, यहाँ तिब्बतन प्लेटू भी लिखा गया है और हनुमान नगर भी लिखा गया है। देखिए, सप्त कोसी नदियाँ जो हैं वो 7 गो कोसी नदी हैं, जिनको मिलने से एक एक कोसी नदी बनी है। तो ये जो 7 गो कोसी नदी हैं वो आकर हनुमान नगर डिस्ट्रिक्ट में आकर मिल जाती हैं यहाँ पे इकट्ठे, और यहाँ से फिर ये कोसी नदी बहने लगती है। इसलिए ये दो जगह दो नाम लिखा गया है। माउथ ये गंगा रिवर में आकर मिलती है, फिक्स प्लेस है कुर्सेला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में, अभी हाल फिलहाल में मिलती है। आगे कहाँ मिलेगी इसका कोई फिक्स जानकारी नहीं हो सकती है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपौल, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार। फैक्ट्स के बारे में बात करें तो कोसी नदी को सौरव बिहार यानी बिहार का दुख भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। कमला बलान इसी की चचेरी मौसेरी ममेरी बहने हैं। अगर आप देखें तो ये नदी पिछले 200 साल में, इसे मान लीजिए कि ये नदी पहले ऐसे बहती थी, पिछले 200 साल में वो वेस्टवर्ड चली गई है 133 किलोमीटर, अब वो ऐसे बहती है। तो सोचिए कि इस रास्ते में जो भी आया होगा वो तो ख़त्म ही कर दिया होगा ना, लेकिन 200 साल चूंकि लंबा पीरियड है, आपको एक
रीसेंट एग्जांपल बताते हैं, 2008 में बिहार में भीषण बाढ़ आई थी, कोसी नदी पूर्णिया से होकर बहती थी। जब बाढ़ खत्म हुआ तो कोसी नदी सहरसा से होकर बहने लगी 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर ये पश्चिम की तरफ से बहने लगी। तो बाढ़ के दौरान ये जो 72 किलोमीटर का जो भी एरिया होगा, ये सब कुछ इस नदी में विलीन हो गया। सप्तकोसी कौन कौन सी नदियां हैं उनको देख लेते हैं हम। देखिए, तमूर रिवर, तमूर नदी, अरुण नदी और सोन कोसी, ये तीन नदियां मेजर हैं। अच्छा, सोन कोसी के 5 घटक हैं, जैसे दूध कोसी, भोटे कोसी, तमा कोसी, लिखू खोला और इंद्रावती। तो 5 ठो ये और 2 ठो ये मिलकर टोटल हो जाते हैं 7। इसी को हम कहते हैं सप्तकोसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महानंदा। महानंदा इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। ये पागलझोरा फॉल्स दार्जिलिंग हिमालय से होकर निकलती है, गंगा रिवर में जाकर ये मिल जाती है कहाँ, गोदागिरी नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भारत में महानंदा नदी जाकर नहीं मिलती है, ये ट्रिब्यूटरी है भारत में गंगा नदी की, लेकिन ये भारत में नहीं मिलती है, इसका उद्गम भले होता है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मालदा, सिलीगुड़ी, उत्तर दिनजापुर और जलपाईगुड़ी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यह लास्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, इसके बाद गंगा नदी में कोई बड़ी नदी बाएं साइड से आकर नहीं मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये नदी पहले उद्गम के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश हो गया और ये इंडिया हो गया, तो उद्गम के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश जाने के बाद 3 किलोमीटर बहने के बाद वापस चली जाती है इंडिया, इंडिया में आएगी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो उत्तर दिनजापुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से बहती है, इसके बाद ये वापस अब चली जाती है बिहार में, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ऐसे घूमते हुए, और फिर मालदा में प्रवेश करती है, और मालदा सिलीगुड़ी ऐसा होते हुए इधर भी जलपाईगुड़ी के एरिया को भी हल्का सा टच करती है ऊपर में, जब यहाँ पे जब वो अभी इंडिया में प्रवेश करती है बांग्लादेश से। तो और इसके बाद जब ये मालदा में वापस से बिहार के बाद प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, तो मालदा होते हुए वापस से चली जाती है, यहाँ मालदा, यहाँ बिहार का एरिया, यहाँ मालदा, और ये चली जाती है बांग्लादेश में, यहीं पे जाकर ये गंगा नदी से मिलती है जो कि इधर से आ रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउथ बिहार के रिवर्स की। दोस्तों, नॉर्थ बिहार के रिवर्स के बारे में हमने बात की, बहुत ज़्यादा तांडव मचाती हैं वो, उनका नदियों के मार्ग परिवर्तन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कुख्यात हैं, खासकर कोसी, कमला, बलान, बागमती इत्यादि नदियाँ। साउथ बिहार की नदियों का की लीला अलग ही है, ये पाप और पुण्य, धर्म, इन्हीं सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की हैं यहाँ के सिविलाइजेशन को। और देखते हैं कैसी कैसी नदियाँ हैं साउथ बिहार में। देखिए, कर्मनाशा, बाप रे बहुत भयानक नाम है ऑलरेडी इसका, कर्मनाशा। इसकी लंबाई है 192 किलोमीटर। देखिए 192 किलोमीटर, ठीक है। इसका सोर्स है सारोदा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार। कैमूर डिस्ट्रिक्ट हमने देखा है, जो ये जो हिस्सा है बिहार का, ये जो बिहार का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, तो यहाँ से होकर ये नदी बहती है इसे बॉर्डर लाइन में, और ये जाकर मिल जाती है कहाँ, उसी चौसा नाम की जगह पे, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है, गंगा जो इधर से जाती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली, गाजीपुर, कैमूर, बक्सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये उद्गम होता है कहाँ पे, पहले होता है बिहार में, फिर जाती है यूपी, और फिर वापस आती है ये बिहार में। ठीक है, इसके बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स हैं, जैसे कि कर्मनाशा, आपके कर्म का नाश हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें हिंदी में तो इसको कर्मनाशा कहते हैं, जितना भी आपने पुण्य काम किया है उस सब का नाश कर देगी। कब, जब आप इसमें डुबकी लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 26 जून 1539 को हुमायूं जो है इसी नदी के किनारे जो चौसा था, चौसा नाम की जगह जहाँ पे ये गंगा नदी में मिलती है, शेर शाह सूरी से लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने से पहले डेफिनेटली जाकर उस नदी में नहा लिया होगा। अच्छा, शेर शाह सूरी तो चूंकि बिहार का ही रहने वाला था, उसको मालूम था ये सारी चीज़, हुमायूं बिहार का रहने वाला था नहीं, उसको मालूम नहीं था।
तो गया उसमें डुबकी लगाने के लिए और वो अपना सारा राजपाट हार गया, उसके सारे कर्मों का नाश हो गया। एक और नदी है उत्तराखंड के गढ़वाल में कर्मनाशा के नाम से, उसके साथ इस नदी को कन्फ्यूज नहीं करना है। इसका कोर्स के बारे में हमने बात कर ली है कि बिहार में निकलती है, फिर यूपी जाती है, फिर बिहार आती है। इस नदी के निर्माण से रिलेटेड एक मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है। स्टोरी विश्वामित्र जी से और इंद्र जी से रिलेटेड है। स्टोरी ये कहती है कि विश्वामित्र जो है एक ऋषि थे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, तो वो वर्तमान जो यूनिवर्स की व्यवस्था है उससे नाराज़ थे, या हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो। तो उन्होंने तपस्या की और तपस्या से ये शक्ति हासिल की कि वो एक नए यूनिवर्स की रचना कर सकते हैं। तो तपस्या से शक्ति हासिल करने के बाद वो लगे नए यूनिवर्स की रचना करने। इंद्र भगवान जो अपने महल में बैठे हुए थे, उनका सिंहासन ऐसे धीरे धीरे हिलने लगा रही, एक नया यूनिवर्स बन रहा है। तो उन्होंने देखा, कहा कि अरे ये तो साधु, ये क्या ही बना लेंगे, इनसे कुछ होगा नहीं, तो वो रिलैक्स है। बाद में उन्होंने यूनिवर्स बना लिया, अब तो इनका सिंहासन और तेज़ी से डोलने लगा, अरे तो यूनिवर्स ही बना लिया। अब उसमें लगे वो, उसमें जीव जंतु प्राणी सब कुछ बनाने विश्वामित्र जी उस नए यूनिवर्स में, और एक त्रिशंकु नाम के प्राणी को जो कि हम लोग की तरह ही मानव था उसको उन्होंने बनाया, और उसको कहा कि तुम जाओ और इस यूनिवर्स पे राज करो। तो धरती पर से वो त्रिशंकु जो है अब उड़कर जाने लगा उस यूनिवर्स में जाकर राजा बनने के लिए। अब तब तक इंद्र भगवान पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। वो जैसे ही उड़ गया, इंद्र भगवान रास्ते में उसको घेर लिए और घेर के उसका मुंडी नीचे और पैर ऊपर करके लटका दिए। जब वो लटका दिए, उसको आगे नहीं जाने दिए, तो उसके मुंह से जो लार टपका, उसी लार से इस नदी का निर्माण हुआ। तो अगर आप देखोगे तो इस नदी के निर्माण से रिलेटेड ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी हम लोग के धर्मशास्त्रों में दी हुई है, पुराणों में दी हुई है। हालांकि कितनी सच्चाई है वो तो ईश्वर ही जानते हैं। नेक्स्ट रिवर है सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सोन नदी साउथ बिहार की नदी है, और सोन नदी साउथ बिहार की नदी होने के कारण, चूंकि ज़्यादा फोकस हमेशा हमारा नॉर्थ बिहार की नदियों पर रहता है, साउथ बिहार की नदियों पर कम रहता है, तो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना उन्हीं एरिया से बनती है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, या जिनके बारे में लोगों का ओरिएंटेशन उतना नहीं रहता है, इंटरेस्ट उतना नहीं रहता है। सोन नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। यह निकलती है सोनमुड़ा अमरकंटक प्लेटू अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। ये एक रिफ्ट वैली रिवर है। रिफ्ट वैली से होकर ये नदी गुजरती है। रिफ्ट वैली के बारे में जानकारी, रिफ्ट वैली क्या होती है, इसके बारे में हम ज्योग्राफी सीरीज, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि रिफ्ट वैली, मोटा मोटी बताते हैं कि दो ठो पहाड़ होता है ना, दो ठो पहाड़ के बीच का जो, जैसे ये, जैसे मान लीजिए कि कुछ ज्योग्राफिकल घटना हुई और दो ठो पहाड़ के बीच से जगह बच गया, तो दो पहाड़ के बीच से होकर ये नदी गुजरती है, तो रिफ्ट, ये वैली हो गया। अच्छा, रिफ्ट वैली क्या हो गया? रिफ्ट वैली मान के चलिए ये हो गया कि जैसे कोई ये प्लेन जगह है और यहाँ पर अचानक से नीचे में भूकंप भूकंप आया, तो ये जगह यहाँ से ऐसे उठ गया, तो ये उठकर ऐसे हो गया, और ये उठकर ऐसे हो गया, और ये जगह हो गया नीचे, तो नदी अगर सपोज इधर से कहीं से पानी आएगा तो वो इस एरिया से होकर बहने लगेगा। तो ये पहला एक रिफ्ट वैली हो गया। इसका एक और तरीका भी होता है जिसमें ये चीज़ मान लीजिए कि दोनों साइड की चीज़ें नीचे हो जाएँ, तो और जैसे अगर ये प्लेन है और ये नीचे धंस जाए और ये नीचे धंस जाए, तो क्या हो जाएगा कि ये एरिया ऊपर रह जाएगा। तो एक रिवर इधर से बहेगी और एक रिवर इधर से बहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्ट रिवर वैली इसको कहते हैं। सोन नदी, दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी हमारे देश में रिफ्ट रिवर वैलीज हैं, रिफ्ट वैली रिवर्स हैं। ठीक है, इसका माउथ कहाँ है? गंगा नदी में आकर पटना के पास मिल जाती है। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और पटना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सोन एक मैस्कुलिन नेम है, पुरुषों का नाम है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे देश की नदियों के नाम जो हैं वो पुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं। दामोदर, ब्रह्मपुत्र, इस तरह के नाम बहुत रेयरली हैं। सोन पेरेनियल रिवर है, मतलब क्या, ये पहाड़ से होकर निकलती है, मिडिल अमरकंटक प्लेटू से होकर निकलती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का कोई सोर्स नहीं है, हिमालय पहाड़ की तरह ग्लेशियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेरेनियल नदी है, मतलब इसमें सालों भर पानी रहता है। इस नदी पे 1873 1874 में डेहरी नाम की जगह जो रहता है इसमें, वहाँ पे यहाँ पे डैम बनाया गया था, जिसको डेहरी ऑन सोन डैम के नाम से भी हम जानते हैं।
अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स के बारे में इस नदी के रिलेटेड, तो हम देखेंगे कि नॉर्थ कोयल जो कि झारखंड में से निकलती है और बहती है, और रिहंद जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर इस सोन नदी में मिल जाती है, इस नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। रिहंद नदी के बारे में बात करते हैं। रिहंद नदी पर डैम बना हुआ है, रिहंद डैम। वो कहाँ बना हुआ है? पीपरी नाम की जगह पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। और इसी नदी पर राकस गंदा फॉल है, राकस गंदा फॉल। राकस गंदा फॉल जो है वो कहाँ पर है? वो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। रिहंद डैम जिसके बारे में भी उन्होंने बात की, इसमें इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। यह बिहार को भी इरिगेशन वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। सोन को रोरिंग रिवर कहते हैं। अच्छा, रोरिंग रिवर का क्या मतलब हुआ? अगर कहें रोरिंग रिवर मैं दहाड़ने वाली रिवर है, क्यों है? क्योंकि इसका ग्रेडियंट काफ़ी स्टीप है, मतलब क्या हुआ, ढलान काफ़ी तेज है। ढलान मान के चलिए काफ़ी तेज है, तो तेज कितना ढलान है? 35 से 55 सेंटीमीटर। एक एक किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ पे ये दूरी जो है, सपोज अगर यहाँ पर ऊंचाई अगर 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो यहाँ की जो ऊंचाई होगी वो मान के चलिए कि 45 सेंटीमीटर रह जाएगी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। ये इस चीज़ का कहने का मतलब ये है कि ये इतना 35 से 55 सेंटीमीटर पर किलोमीटर इसका इसका स्लोप इस तरह से है। क्विक रन ऑफ मतलब ये हो गया कि ये कई जगह क्या है कि स्लोप काफ़ी तेज है। क्विक रन ऑफ का मतलब होता है कि एक नदी ऐसे बह रही है, अचानक से रैपिड ऐसे हो गया, इसको रैपिड्स भी कहते हैं, और फिर नॉर्मल नदी हो गई, फिर अचानक से ऐसे हो गया, और फिर नॉर्मल नदी होगी, फिर अचानक से नीचे की तरफ स्लोप हो गया और नदी बनने लगी। तो क्विक रन ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये जो रन ऑफ्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इफेमरल रजिम क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। इफेमरल रजिम का मतलब होता है कि एक दिन की घटनाएं, वो एक ही दिन में हो सकता है कि अचानक से वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, या हो सकता है कि अचानक से कहीं किसी सोते से पानी निकल के आ जाए, नदी बह रही है और कहीं से आके कोई सोता का पानी निकल के आ गया इसमें, और अचानक से एक ही दिन में पूरा बाढ़ बाढ़ उधर बाढ़ तो नहीं आते हैं, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा दिया, तो लेवल बढ़ा देगा तो वो आवाज़ भी बढ़ जाएगा, झरने वरने होते हैं, छोटे छोटे रैपिड्स हैं, तो उसकी वजह से आवाज़ काफ़ी होती है। तो सोन नदी को रोरिंग रिवर कहते हैं। इसके रीजन्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 हमने पढ़े। स्टीप ग्रेडियंट्स, क्विक कितनी होती है? 35 से 55 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। क्विक रन ऑफ और इफेमरल रजिम्स। थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में। सेकेंड लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, रिवर यमुना के बाद से। इसका मतलब कि गंगा नदी बह रही है, इसके बाद गंगा नदी में आकर यमुना नदी मिलती है और यहाँ से आकर सोन नदी मिलती है। गंगा नदी में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना नदी का स्थान 1 नंबर पर है लंबाई में, और सोन नदी का स्थान 2nd नंबर पर है लंबाई के दृष्टि से अगर देखें तो। अच्छा, ओवरऑल कौन है? तो 1 नंबर पर यमुना और 2 नंबर पर सरयू थी, घाघरा थी, लेकिन अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखें तो 2 नंबर पे सोन नदी है। कोइलवर डैम इस नदी को इस न, कोइलवर ब्रिज इस नदी पर बना है। अच्छा, कोइलवर ब्रिज जो बना है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रिज है, अभी रिसेंटली उसका इनाग्रेशन हुआ है, तो उसके बारे में भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेलवे ब्रिज है, कोइलवर जो स्थान पे जो बना है। पहले तो जानते हैं वो किसको किसको जोड़ता है। वो आरा आरा को जोड़ता है पटना से, आरा को जोड़ता है पटना से, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेलवे ब्रिज है इंडिया में, जो कि 4 नवंबर 1862 में बना था और अभी भी उससे होकर ट्रेन गुजरती है। इसका नामकरण किया गया प्रोफेसर अब्दुल बारी, जो कि काफ़ी नोटेड एकेडमिशियन रहे हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। गांधी जो रिचर्ड एटनबरो, सर रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म थी जो 1982 में आई थी, उसमें भी इस ब्रिज को दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास में ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज भी रहा है। सन 1862 से लेके सन 1900 तक ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज था, जिसकी टोटल लंबाई है 1.44 किलोमीटर। रिसेंट जो फेनोमेना हुई है, अभी वहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया गया है जो कि 1.52 किलोमीटर यानी इससे थोड़ा सा लंबा है। वो 6 लेन का रोड ब्रिज है। वह ब्रिज इस ब्रिज जो पहले से ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, उसके पैरेलल में बनाया गया है, और वो ब्रिज यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को इनॉग्रेट किया गया और इसका नामकरण किया गया
ग्रेट मैथमेटिशियन पद्मश्री श्री वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर। अब हम बात करते हैं अगली रिवर की, जिसका नाम है फल्गु। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, काफी मजेदार इसके इसके फैक्ट्स हैं। देखते हैं ये कैसा है। इसको कहते हैं निरंजना रिवर, फल्गु को निरंजना रिवर भी कहते हैं। इसकी लंबाई मात्र 27 किलोमीटर है। ये जैसे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका से दो स्ट्रीम निकली हैं, एक का नाम है लीलाजन, दूसरे का नाम है मोहना। इन दोनों के मिलने से गया में ये नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये नदी जाके वापस पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। इधर से पुनपुन आती है और ये जाकर मिल जाती है फल्गु नदी, ठीक है। और ये कहाँ पे, गया डिस्ट्रिक्ट में ही केवल ये नदी है। अच्छा, गया में ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं, क्योंकि वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वायु पुराण में ये मेंशन किया गया है और ये कहा गया है कि ये लॉर्ड विष्णु का अवतार है। ये नदी जो है फल्गु नदी वायु पुराण के अनुसार लॉर्ड विष्णु का अवतार है। और इस नदी में पहले दूध की धाराएं बहती थी, यानी पानी वानी नहीं बहता था, इस नदी से केवल दूध ही बहता था। ये एक होली प्लेस है किसके लिए, हिंदूज के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग पिंडदान करने आते हैं, जो पितृपक्ष का महीना होता है। पितृपक्ष माने 15 दिन, पक्ष माने 15 दिन। तो पितृपक्ष कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष जो होता है, अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष कहते हैं, जो कि हर साल होता है। हर साल लोग, हिंदू लोग यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। पिंडदान किस चीज़ का बना होता है, राइस का आटा बनाते हैं और उसको हनी और गुड़ इसके साथ उसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करके क्या बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं उसके। और उसके साथ तिल जो है, लेंटिल, ब्लैक तिल जो आता है, तिलहन, ब्लैक तिल जिसको हम कहते हैं, वो उसके साथ मिक्स किया जाता है और वो उसका पिंडा बनाकर अपने पूर्वजों को खिलाया जाता है। अच्छा, हमने अभी कहा था कि ये नदी दिखाई नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका रीज़न अगर खोजने जाएंगे तो रामायण में मिलेगा। रामायण में भी इस नदी का जिक्र है। जिक्र कैसे है कि जब राम जी वनवास के लिए निकले, तो जब रास्ते में थे तब उनके पिता दशरथ जी का देहांत हो गया। तो इनको खबर मालूम पड़ी कि दशरथ जी की तो मृत्यु हो गई है, तो वे क्या किए, बोले कि गया चलते हैं और वहाँ जाके उनको पिंडदान करेंगे, चूँकि हम सबसे बड़े लड़के हैं। तो वो पिंडदान के लिए गया, गए वहाँ पर फल्गु नदी अपना बह रही थी और इधर जो रेत का एरिया था, यहाँ पे रेत के एरिया में अपना वो सीता मैया बैठी हुई थी और कुछ बालू से खेल रही थी, और दोनों भाई अपना जाकर यहाँ डुबकी लगा रहे थे फल्गु नदी में, सरमुड़ मारे के बाद। जनरली सरमुड़वाया जाता है और उसके बाद जाकर वहाँ पर नहाकर और आकर पिंडदान किया जाता है। तो ये लोग अभी नहा ही रहे थे, तब तक यहाँ से इसी रेत में से दशरथ जी निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी का अभी पिंडदान चाहिए। तो पिंडदान तो भैया वो कैसे दें, वो बोली कि पिंडदान मैं कैसे दूँ आपको ससुर जी, क्योंकि आपके बेटे तो अभी नहाने गए हुए हैं और वो आएंगे तो पिंडदान देंगे, जो ऑफरिंग्स जिस तरह से दी जाती हैं। तो बोले नहीं नहीं अभी दो। बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। तो दशरथ जी बोले अरे इस बालू का ही लड्डू बना के मुझे खिला दो, मुझे दे दो। मैंने खिलाना क्या, दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो विष्णु सॉरी तो दशरथ जी ने और सीता मैया ने 5 लोगों को विटनेस बनाया, अक्षय वट को, काऊ को, फल्गु नदी को और वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको, और तुलसी के पत्ते को, और विटनेस बना के उन्होंने वो पिंड ले लिया, ग्रहण किया और चले गए। तब तक राम जी स्नान करके नदी से आ रहे हैं और वे लगे पिंड बनाकर दान करने देने के लिए। तो दशरथ जी आ ही नहीं रहे थे। पहले के ज़माने में जो पूर्वज होते थे वो स्वयं आते थे मरने के बाद अपना अपना पिंड का हिस्सा लेने के लिए, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति किसकी हो, पूर्वजों को, उनको भोजन, ताकि उनको तृप्ति मिले इस, और मोक्ष की प्राप्ति हमें भी हो, उनका कुछ आशीर्वाद मिले तो हमें भी थोड़ा सा मोक्ष मिल जाए। तो इसीलिए वो पिंडदान होता था। वो आए राम जी और ऑफरिंग देने लगे, तो दशरथ जी आए नहीं। तो राम जी को आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्यों नहीं आए अभी तक। तो सीता मैया बोली कि देखिए ना, आए थे ससुर जी अभी, इसी रेत में से निकले थे और मुझसे बोले कि रेत के ही लड्डू बना के दे दो। तो मैंने वो दे दिए। मैंने मना करने के बाद भी वो बोले कि चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या कर दी, मैंने दे दिए। वो बोले मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अभी चाहिए। राम जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ले ही नहीं सकते इस तरह की चीज़ें, कि रेत के बने हुए लड्डू।
तो सीता मैया बोली, नहीं, हमारे पास 5 विटनेस हैं, उनको टेस्टिमनी के लिए बुलाइए। तो वो पांचों विटनेस आए। अच्छा, 5 गो में से 4 गो मुकर गया, गवाह मुकर गए, तो क्या होगा, सजा तो मिलेगी ना। तो गवाह मुकर गए, कौन बचा? तो अक्षय वट जो है वो सीता जी को बोला कि नहीं, आपने ऑफरिंग दी थी उनको, रेत के लड्डू बनाकर उनको पिंडदान किया था। ये जो 4 थे, काऊ, गाय, फल्गु नदी, ब्राह्मण वहाँ के और तुलसी का प्लांट, ये लोग अपने बात से मुकर गए। तो सीता मैया ने उन चारों को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? गाय को श्राप दिया कि अरे तुम गाय हो के तुम इस तरह की हरकत की हो, जाओ, तुम्हारा आगे का हिस्सा कभी पूजा नहीं जाएगा, हमेशा पीछे के हिस्से में तुम्हारी पूजा होगी। ब्राह्मण को कहा कि अरे गया के पंडे, तुम इस तरह से करोगे, ब्राह्मण होके भी तुमने झूठ बोला, तुमको मैं श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा लालायित रहोगे, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, हमेशा तुम याचक ही रहोगे और कुछ न कुछ हमेशा चाहते रहेगा तुम। तुलसी के पौधे को उसने प्लांट तुलसी के प्लांट को उन्होंने श्राप दिया कि गया में तुमको कहीं कोई नहीं लगाएगा, गया में तुलसी जी का पौधा नहीं लगाया जाता है। और ये फल्गु नदी, इसको श्राप दिया कि इतनी मजाल, इतनी तुम पर भरोसा किया और तुमने ऐसा कर दिया, तुम सूख जाओगे। तो अगर आप गया जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे केवल नदी के नाम पे कोर्स है उसका, लेकिन रेत है। वो पैलियो चीज, और अगर साइंटिफिकली बात करें तो वो पैलियो चैनल है। पैलियो चैनल क्या होता है? इसको हम कहते हैं पैलियो चैनल, पैलियो, पैलियो चैनल। अच्छा, पैलियो चैनल क्या होता है? जैसे मान लीजिए पहले कोई नदी बह रही हो, इसमें पानी हो, नदी में पानी हो, और किसी कारण से इसके ऊपर रेत आकर जम जाए, इस पर रेत आकर जम जाए, तो ये रेत से कंप्लीटली कवर हो गया। तो पानी जो है अभी भी यहाँ पे है, लेकिन ये इस रेत के सतह के नीचे दबी हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा भी खोदेंगे यहाँ पे, अगर आप जैसे खोदेंगे, यहाँ खोदेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि अरे तो यहाँ पानी है ही, और पानी निकलेगा वहाँ से। तो ये पैलियो चैनल कहता है। तो इसका जिक्र, हालांकि मैथोलॉजिकल जिक्र अलग है, और साइंटिफिकली इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। यह बुद्धिस्ट के लिए भी होली साइट है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो इनलाइटेड हुए थे। यहाँ पर फेमस विष्णुपद टेम्पल है जो कि इस नदी के किनारे स्थित है। तो ये था फल्गु नदी। अगली नदी है हमारी पुनपुन, इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर। ये हजारीबाग प्लेटू, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से निकलती है और ये जाकर गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। तो इसका मतलब पटना के पास कौन कौन सी नदियाँ मिली? एक तो आकर सोन, पटना जो है ना कटोरे की तरह से है, ऐसा कटोरे की तरह से, ठीक है। इसमें इधर से आके एक नदी मिलती है, इधर से आके एक नदी मिलती है, और इधर से भी आके एक नदी मिलती है। कौन कौन सी नदी है? एक गंगा है, आलू गंगा, सोन और पुनपुन, ये 3 नदियां आकर यहाँ पे इसमें मिल जाती हैं। इसलिए पटना, जो पटना को क्या कहते हैं? जल दुर्ग, वाटर फोर्ट, वाटर फोर्ट, ठीक है, जल दुर्ग। इस पुनपुन नदी का मेंशन किया गया है किसमें? पद्म पुराण में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? औरंगाबाद, गया और पटना, इसका मेंशन किया गया है पद्म पुराण में और वायु पुराण में। अच्छा, पुनपुन इसका नाम क्यों पड़ा? पुनपुन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं और अगर आप अपने फोर फादर्स को, अपने पूर्वजों को ऑब्लेशन देते हैं, ऐसा तिलांजलि देते हैं, तो जितनी बार आप देते हैं उतनी बार आपके पाप पुनः पुनः धुलते जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पुनपुन पड़ा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आप देखिए, जैसे अगर मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी में क्या होता है? गंगा नदी ये फ्लो कर रही है, गंगा नदी ये फ्लो की, ठीक है। इसके बाद अपने पास कौन सी नदी है? एक हमने रिवर का नाम पढ़ा है, करमनासा, और दूसरा हमने नाम पढ़ा पुनपुन। तो करमनासा में जब आप जाएंगे नहाएंगे तो आपके सारे पाप, सारे पुण्य, सॉरी, सारे पुण्य जो हैं, पुण्य पुण्य, ये धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब आप पुनपुन में नहाएंगे तो जितने पाप हैं, पाप, ये सब धुल जाएंगे। और गंगा में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? पुण्य। आज जितने पाप हैं वो पुण्य मिल जाएंगे और पाप खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप
कर्मनाशा में नहाकर अपना सारा पुण्य खत्म कर दीजिए, तो वहां जाकर नहाइए ही मत। और यहाँ पाप बार बार नहाने से, बार बार पाप हटाने से अच्छा है कि एक ही बार जाकर गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए। आपको सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हैं कि आपका पुण्य आपके पास रहे और पाप जो है वो चला जाए, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमने बात की थी दोस्तों कि कौन कौन से वो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। देखते हैं इन 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन कौन से हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, ये 12 डिस्ट्रिक्ट है। गंगा नदी जो है वो बिहार में हमने देखा कि सारण और भोजपुर के कन्फ्लुएंस पे आकर मिलती है, बिहार में घुसती है, और वह भागलपुर और कटिहार के कन्फ्लुएंस पे बिहार से बाहर निकल जाती है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट रिवर है बाई वाटर डिस्चार्ज वो अमेजन रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में बहती है, और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बाई डिस्चार्ज है वो कॉन्गो रिवर है जो कि अफ्रीका में बहती है। हालांकि जब नदियों में बाढ़ रहती है उस वक्त गंगा नदी कॉन्गो नदी को सरपास कर देती है, इससे भी बड़ी हो जाती है और वो सेकेंड लार्जेस्ट डिस्चार्ज बढ़ जाती है। कब? जब बाढ़ आया रहता है। लेंथ वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर हम देखें उत्तराखंड में गंगा नदी 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाने में इस नदी का 110 किलोमीटर हिस्सा चला जाता है, यानी यह न तो बिहारे में है न तो यूपी में ही है। ठीक है, तो ये था हमारा रिवर सिस्टम दोस्तों। एक बार फिर से हम मैप देखते हैं। मैप में अगर हम देखेंगे तो मैप अगर हम देखेंगे तो एक बार फिर हम देख लेते हैं मैप को किस तरह से है। देखिए ये गंगा नदी, घाघरा नदी, लिटिल गंडक, ग्रेट गंडक, बूढ़ी गंडक, बलान, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, फिर सोन, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फल्गु इत्यादि, बदुआ, चंदन। बदुआ और चंदन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत छोटी नदियाँ हैं, इसके लिए उसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिवर सिस्टम। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे दोस्तों माउंटेन रेंजेस की, बिहार के माउंटेन रेंजेस की, इसके सॉयल और इसके रॉक पैटर्न की, मिनरल्स की, इंडस्ट्रीज की, फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, लेक्स की, वाटरफॉल की, हॉट स्प्रिंग्स की, नेशनल हाईवे और वाटरवेज की, ब्रिजेस की, इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर की और बिहार के क्लाइमेट की। तो हमारे साथ बने रहिएगा। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, बिहार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।